उत्तर प्रदेश के वाराणसी में समाजवादी पार्टी की तरफ से पोस्टर लगाया गया। पोस्टर में अखिलेश यादव को भगवान श्री कृष्ण की भूमिका में दिखाया गया। ये वो पोस्टर है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। वाराणसी में अखिलेश यादव का ये पोस्टर, और देखिए किस तरीके से अखिलेश यादव को यहां पर श्री कृष्ण की तरह सारथी की भूमिका में दिखाया गया है। राहुल गांधी अर्जुन की भूमिका में यहां पर नजर आ रहे हैं इस पोस्टर में, और पोस्टर पर लिखा गया संकल्प 2024, लक्ष्य 2027। तो अखिलेश यादव यहां पर श्री कृष्ण की भूमिका में सारथी की तरह नजर आ रहे हैं। महाभारत और वो कुरुक्षेत्र का युद्ध जहां पर अर्जुन के सारथी के तौर पर श्री कृष्ण थे, उसी का रेफरेंस लेकर ये पोस्टर समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया गया है, जिसमें अखिलेश यादव को सारथी बना दिखाया गया है और वो जो रथ है उस पर सवार राहुल गांधी पोस्टर में नजर आ रहे हैं। और इसका जो राजनीतिक संदेश है वो यही देने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से दी जा रही है कि ये जोड़ी जो है, जिसने 2024 में एक साथ आकर संकल्प लिया है, लक्ष्य 2027 लिखा हुआ है पोस्टर में। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी निशांत उस वक्त मौजूद है। निशांत, मतलब अभी तक वो कटेंगे बटेंगे वाला जो पूरा का पूरा आर पार, जिस तरीके से उपचुनाव को लेकर सियासी तापमान प्रदेश का हाई, अब सीधे सीधे 27 को लेकर भी यहाँ पर पोस्टर्स के जरिए निशाना साधा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अब वाराणसी में भी ये पोस्टर बाहर देखा जा रहा है, और जिस तरीके से कुछ दिन पहले ही एक भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता की तरफ से लगाया गया था पोस्टर, अब समाजवादी पार्टी के नेता ने भी, जिनका नाम आलोक सौरभ है, उनकी तरफ से लगाया गया, जिसमें उन्होंने 2024 चुनाव के साथ साथ 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का भी संकेत दिया है। और इसमें इन्होंने श्री कृष्ण भगवान की भूमिका में अखिलेश यादव को दर्शाया, इसके अलावा अर्जुन की भूमिका में राहुल गांधी यानी गठबंधन के भी गठजोड़ को उन्होंने दर्शाया। और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ के साथ साथ जो सियासत का सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है बनारस, जहां पर भी पोस्टर बार देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए निशा। ABP News आपको रखे आगे।